अयोध्या के पास में आप देख सकते हैं काफ़ी भारी बर्फबारी हुई है और अभी भी बर्फबारी चल रही है। इसके चलते रास्ते पे चलना काफ़ी ख़तरनाक हो गया है। गाड़ियां स्कीड कर रही हैं, फंस रही हैं बर्फ़ पे। तो अभी हम निकले हैं रोइंग के लिए, पता नहीं कैसे जा पाएंगे। आगे एक स्कॉर्पियो फंसी हुई है जिसके चलते पीछे की सारी गाड़ियां अटकी हुई हैं। इसी तरह फंसते फंसाते बढ़ना होगा और कोई उपाय नहीं है बर्फ़ के रास्ते में। रस्सी लीजिए, रस्सी। फरवरी अंत तक ये बर्फबारी चलता रहेगा और रास्ते पे चलना खतरे से खाली नहीं होगा। ये देखिए मकानों के छत के ऊपर बर्फ़ की मोटी परत जमी हुई है। काफ़ी कड़ाके की ठंडी है, टेम्परेचर माइनस में। जिधर नज़र जाए बस सफ़ेद बर्फ़ की चादर सी बिछी हुई है। ये देखो सिला टॉप में हम लोग 3 दिन से फंसा है। ये छोटे भाई का गाड़ी यहाँ में है, ये भी स्टार्ट बंद हो गया है। और हम लोग का इधर में है, बर्फ बहुत गिर गया है। क्या बोलेगा इस बार मेरा गाड़ी वो नीचे में है। मेरा गाड़ी है और नीचे में बहुत है गाड़ी, लोग पूरा बर्फ में फंसा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है ठंडा से। लेकिन ठंडा इतना नहीं है ना। अनिनी टाउन कितना सुंदर है देखो, वाह मिनी स्टेडियम दिखाई दे रहा है। अनिनी टाउन पूरा मिनी सीक्रेट, ओ डिनर ग्राउंड सब पूरा बर्फ से ढका हुआ है। आज 3 फरवरी 2024 देख लीजिए, 3 फरवरी 2024 ये ताया मोलो, ये मालाकम मोलो, ये है तकमजीत, हो ब्रो सब लोग कितना सुंदर हैंडसम लोग है, एंजॉय कर रहा है अपना अनिनी टाउन को।